और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। बड़ी खबर मिल रही है जहां बद्रीनाथ धाम की यात्रा इन दिनों बढ़ गई है और जिससे कि बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह जाम लगा हुआ है। हाईवे पर पेनी टंगड़ी और साथ ही पागल नाले के पास में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है जिससे कि यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जाम लगने का सबसे बड़ा कारण बरसात में आया हुआ मलबा सड़कों से नहीं हटाया जा रहा है जिसके चलते यहां पर जाम लगा हुआ है। साथ ही जगह पर सड़क कटिंग का कार्य भी आफत बन रहा है। यही स्थिति और जून में भी देखी जा रही थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये जाम की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी जहां जो तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। लोगों को इस जाम को पार करने में ही घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में चमोली से नितिन सेमवाल लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि काफी किलोमीटर तक यहां पर गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं, लंबा जाम लगा हुआ है। आखिर क्या बड़ी वजह और क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देकर इन जाम से जो समस्या है उससे निपटारा मिल सके, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है? जी, अगर जाम की स्थिति की बात करें तो फिलहाल पिछले एक हफ्ते से लगातार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टंगड़ी और पैनी वाले इलाके में बहुत ज्यादा जाम लग रहा है और जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो दोनों की ही व्यवस्थाएं नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2 बजे से लेकर और रात 12 बजे तक तीर्थ यात्री मात्र 20 से 25 किलोमीटर का सफर करके पहुंच रहे हैं, जो सफर लगभग 1 से 2 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए उसमें 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा अचानक बढ़ते ही जो धरातल पर है वो फिसल गई है, यानी कि अव्यवस्थाओं का अंबार नेशनल हाईवे पे लगा हुआ है। घंटों तक यात्री जाम में फंस रहे हैं, यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहाड़ी इलाका है और देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से जब लोग पहाड़ चढ़ते हैं तो उनको अपना घर भी जाना पड़ता है, तो ऐसे में उन्हें भी रात में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर यात्रा की बात करें तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी अब तेजी के साथ बढ़ने लगी है। 10 से 11 हजार तीर्थ यात्री प्रत्येक दिन बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं और ऐसे में अभी और यात्रा बढ़ने की संभावना है, लेकिन जाम ने कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। जी, वाकई में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर का एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है जिसमें आधे अधूरे पुल को जान में जोखिम में डालकर लोग पार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे ग्रामीण लटक लटक कर पुल के स्ट्रक्चर पर अपना सफर तय कर रहे हैं। वीडियो बागेश्वर के दूरस्थ गांव बड़ेत का बताया जा रहा है। इस गांव के ग्रामीणों का कहना है, बड़ेत ग्राम पंचायत के 2 छोरों को जोड़ने वाला पैदल पुल 5 साल से मरम्मत का इंतजार कर रहा है। पिथौरागढ़ के अस्कोट में सेना की 3 गाड़ियां पलट गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सेना की गाड़ियां पलटने से एक निजी गाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। सेना की गाड़ियां चंपावत से धारचूला जा रही थी, इसी दौरान अस्कोट के पास में हादसा हो गया। घायलों में सेना का एक ड्राइवर भी शामिल है। तो महात्मा गांधी की आज 154वीं जयंती है। गांधी पार्क पहुंचकर सीएम धामी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण और कुछ देर में गांधी पार्क पहुंचेंगे सीएम धामी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 8:15 बजे कचहरी पहुंचेंगे सीएम और पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 11:15 बजे मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। रामपुर तिराहा में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित उनके द्वारा की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन वी सतीश का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा समाप्त हो गया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक की, साथ ही सभी 6 कैबिनेट मंत्रियों से 1-to-1 बातचीत भी की, जिसके बाद में मंत्रियों की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन वी सतीश का उत्तराखंड दौरा यूं तो लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर था। उन्होंने संगठन के कामकाज को परखा और जरूरी टिप्स भी दिए। इसी दौरान वी सतीश ने सरकार के सभी 6 कैबिनेट मंत्रियों से अलग अलग बंद कमरे में बातचीत की। इस बातचीत से संगठन को दूर ही रखा गया। सूत्रों की माने तो इस दौरान वी सतीश ने मंत्रियों की नब्ज टटोली, उनसे उनके विभागों का फीडबैक भी लिया। मंत्रियों से ये भी पूछा गया कि कहां कमियां हैं, क्या बेहतर हो सकता है। मंत्री गणेश जोशी और सतपाल महाराज से सबसे देर तक बातचीत हुई। उन्होंने जानकारी ली भी आपकी, मेरी पृष्ठभूमि, मेरे विभागों के काम किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है, सारी बात उन्होंने की है। और स्वाभाविक तौर से जो हमारी सरकारें, जो जैसा आप जानते हुए कि दूसरी बार हमारी सरकार फिर से उत्तराखंड में लौटी है, तो ऐसे नेतृत्व के और उनके मार्गदर्शन के कारण ही सब ये संभव होता है। मैं सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और मंत्रियों से अलग अलग मुलाकातें करी हैं और सबसे एक फीडबैक लिया है। आपको मालूम है चुनाव और तस्वीरें आपको दिखा रहे राजघाट के। आपको बता दें कि बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के मौके पर हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और कुछ ही देर में आप वो तस्वीरें भी देखेंगे जब समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में डेंगू के 347 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पौड़ी में सबसे ज्यादा 32 केस सामने आए। प्रदेश में आज डेंगू के 56 नए मामले सामने आए। हरिद्वार में 10 और साथ ही देहरादून में 6, इसके अलावा नैनीताल में 8 मामले आए हैं। और डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 2767 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है और ऐसे में डेंगू एक बड़ी समस्या बना हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बापू की समाधि पर। तो आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे हैं उनके समाधि स्थल पर और साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े लीडर भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो राजघाट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा देश आज बापू को नमन कर रहा है और हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। मत उन पर उन्हें रक्षित रहे तुझसे सदा, कर प्रफुल्लित हृदय रख दे वरद हस्त स्नेह का, है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा, है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। Oh my God, oh my God, unite the hearts of thy servants and reveal. तो आज बापू को नमन किया जा रहा है और गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। इससे पहले खड़गे ने भी बापू को नमन किया। राजघाट पर एक एक करके तमाम राजनेताओं के पहुंचने का दौर जारी है। आज भजन कीर्तन गायन का भी दौर चल रहा है क्योंकि सत्य अहिंसा और सद्भाव, महात्मा गांधी ऐसे थे और उन्हीं के पग चिन्हों पर चलने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संदेश देते रहते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे कुछ देर पहले कि जब बापू को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए।
कई जो स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल के स्काउट एंड गाइड के, वो भी आप देख रहे हैं तस्वीर में, वो भी राजघाट पहुंचे हुए हैं। आज पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जा रही है। तो दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू के विचारों पर चलने की बात कहते रहे हैं, बात चाहे स्वच्छता की हो या फिर अहिंसा की। ऐसे में एक दिन पहले से ही स्वच्छता को लेकर अभियान की शुरुआत भी की गई और ये विचार गांधी जी के थे, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत थी उन्हीं ने की थी, उन्हीं का सोचना था कि पूरे देश को स्वच्छ होना चाहिए और उन्हीं के विचारों को, उनके सपनों को आगे बढ़ाते हुए इस ओर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम बढ़ाया। तो एक दिन पहले से ही गांधी जी को स्वच्छांजलि दी गई थी और आज राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और चलिए अब एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। बैंक का नाम जब भी आता है तो पैसे के लेन देन की ही बात समझ में आती है, लेकिन क्या आपने ऐसा बैंक देखा है या सुना है जहां पर कूड़ा जमा होता है और कूड़ा जमा करने पर आपको पैसे भी मिले? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं देहरादून में चल रहा एक ऐसा ही बैंक। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास का सपना आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से भरे भारत का। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद सबसे बड़े मिशन के तौर पर 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन की ही शुरुआत हुई थी। मिशन को 9 साल पूरा हो गए हैं और इस बीच लोगों ने स्वच्छता पर अपने अपने स्तर से प्रयास भी किए। देहरादून में भी कैंट बोर्ड ने पॉलिथीन कचरा बैंक खोलकर एक नई शुरुआत की है, जहां लोग पॉलिथीन बिस्किट या नमकीन के रैपर जमा कर सकते हैं। 1 किलो पॉलिथीन जमा करने पर 3 रुपए मिलेंगे। यहाँ स्कूली बच्चों के द्वारा पॉलिथीन रैपर जमा करने पर उन्हें स्टेशनरी आइटम दिए जाते हैं। पेंसिल रबर बच्चों को देने का मकसद इन्हें सफाई के लिए प्रेरित करना है। वहीं इस पॉलिथीन का टाइल्स और फर्नीचर बनाने में प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए कैंट बोर्ड ने दिल्ली की एक कंपनी से करार किया है। जो पॉलिथीन प्लास्टिक के कट्टे, चिप्स के रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स और ऐसी चीजें जो फेंक देते हैं, जो कचरे में आपने फेंक दिया है, उसको आप घर में इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उसको आप यहाँ पे आके बेच सकते हैं और हम 3 रुपए किलो उसको जो है खरीद लेंगे। फिर हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है जो इन सब चीजों को यूज करके एज ए रॉ मटेरियल इनको यूज करके वो प्लास्टिक की टाइल्स बनाती है, पेवर टाइल्स, और बेंचेस बनाती है, ट्रीज बनाती है। कैंट बोर्ड की इस पहल को स्थानीय लोग भी पसंद कर रहे हैं और स्कूली बच्चों लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए सराहनीय पहल बता रहे हैं। हमने बच्चों को प्रेरित किया है कि आप अपने घरों से ही जो प्लास्टिक पॉलिथीन है उसको कलेक्ट करें और सीओ साहब के मार्गदर्शन में कि जो जितना देगा उसको हम पेंसिल या कोई भी कोई ना कुछ उपहार देते रहेंगे। इस तरह से हम ये जो आपका प्लास्टिक का है ये कूड़ा हम काफी इसको हम प्रदूषित होने से बचा सकते। वैसे पॉलिथीन कचरा बैंक की पहुंच अगर बाकी जगह भी पहुंचे तो लोग जागरूक होने के साथ ही कबाड़ से कुछ पैसे भी कमा सकते हैं, जो हमारे वातावरण में इको फ्रेंडली करने की दिशा में भी मददगार होगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी पुलिस, राजस्व पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने गाजड़ा पट्टी क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने प्रतिबंधित भांग की खेती को नष्ट किया है। टीम ने 300 नाली जमीन पर उगाई जा रही भांग की खेती को नष्ट किया। पुलिस का कहना है कि ड्रग फ्री देवभूमि के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार विधिक है उत्तरकाशी पुलिस द्वारा, पुलिस उपाधीक्षक महोदय द्वारा उद्यन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमने इसमें दो कल बड़ी कार्रवाई करी है। पहली में हमने ग्राम सिरी जो धौतरी के पास गाजना पट्टी में पड़ता है और दूसरा गांव कोनगढ़, इन दोनों गांव में एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। हमने पुलिस विभाग ने वन विभाग के साथ और राजस्व विभाग के साथ मिलकर लगभग 100 व्यक्ति की टीम बनाई। इस साल चारधाम यात्रा की शुरुआत में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने 10
ENPR कैमरे लगाए थे जिसने पिछले 2 महीनों में 8,000 से ज्यादा चालान काटे हैं, लेकिन अब चालान काटने बंद कर दिए हैं। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में परिवहन विभाग को 40 ENPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाने हैं। फर्स्ट फेज में अभी 10 कैमरे जुलाई से काम कर रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग परिवहन आयुक्त हेडक्वार्टर में की जा रही है। इसमें ट्रैफिक रूल तोड़ने पर नोटिस भेजी जाती है, लेकिन फिर भी नियम टूटने के बाद 2 महीने से विभाग चालान काटने लगा और 8,900 से ज्यादा चालान भेजे गए। दो पहिया वाहन सबसे ज्यादा रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीड और बिना हेलमेट के चल रहे हैं। इनफैक्ट जब ये शुरू हुआ था तब हमने नहीं सोचा था इतनी बड़ी संख्या में चालान आएंगे। हम सोच रहे थे कि एक साइड पे 100-200 चालान डिटेक्ट हो जाएंगे और 100-150 लोग होंगे जो बिना हेलमेट के जा रहे होंगे या बिना ट्रिपल राइडिंग कर रहे होंगे, ओवर स्पीडिंग होगी। अब देखने में आ रहा है कि एक एक साइड पे एक एक जगह से, भगवानपुर में उदाहरण के लिए, एक दिन में 1,000 से ऊपर वायलेशन हो रहे हैं। परिवहन विभाग ने कैमरे लगवाए, चालान काटे, लेकिन उन चालान को भरने के लिए स्टाफ ही नहीं है। अब जो कार्रवाई हुई उसे अपलोड करना, उसकी डिटेल बनाना ही मुश्किल हो गया है। अधिकारी कहते हैं कि दिक्कत आ रही है, चालानी कार्रवाई कम कर दी गई है, अब पहले स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा। तो भारी पैमाने पे लोग वायलेशन कर रहे हैं, तो अब जब इतनी बड़ी संख्या में वायलेशन हो रहा है तो फिर इधर सबमिट करने के लिए, क्योंकि 8 घंटे में एक आदमी 200-300 चालान सबमिट कर पाएगा, अगर एक चालान पे आधा मिनट भी लगाए तो वो नंबर चाहिए हमें, तो हम अभी बढ़ाएंगे कुछ लोगों। यानी नियम तोड़ने से लोग बाज नहीं आ रहे और विभाग है कि पूरा चेकिंग सिस्टम होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर पा रहा, जो बताता है कि विभाग की तैयारी आधी अधूरी थी, जो 2 महीने में ही रिजल्ट सही नहीं दे पाई। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय घाट पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये तस्वीरें आप देखिए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इससे पहले राजघाट पहुंचे थे, उसके बाद में अब विजय घाट पहुंचे हैं। लाल बहादुर शास्त्री को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री, क्योंकि आज गांधी जयंती के साथ साथ देश लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाता है, और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। इससे पहले राजघाट पहुंचे थे जहां पर बापू को नमन किया। अब लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राजघाट पहुंचकर बापू को नमन किया। उन्होंने ये भी कहा कि बापू का प्रभाव वैश्विक है, उनके पगचिन्हों पर अगर देश चलेगा तो शांति का मार्ग अपनाकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में देश काम कर सकता है, शांति की दिशा में बढ़ सकता है। और अब आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो बापू के बाद अब लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। ऋषिकेश में भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कर लौटे छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। देवप्रयाग विधानसभा के 65 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। सांसद अजय टम्टा ने आधी कैलाश क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विकासनगर में भी जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया, लोगों ने सड़कों पर उतरकर साफ सफाई की और दूसरों को जागरूक किया। केदारनाथ धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया, भारी मात्रा में कूड़ा उठाया गया और तीर्थयात्रियों से सफाई बनाए रखने की अपील की गई। हरिद्वार में पुलिस ने 2 तस्करों को कई प्रतिबंधित दवाइयों के साथ में पकड़ा। दोनों युवक मेडिकल स्टोर के एड्रेस पर पार्सल के जरिए नशीली दवाई मंगाते थे। हरिद्वार में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल ने सभी को सदस्यता दिलाई। विकासनगर बाड़वाला के पास में जूडो मार्ग पर ट्रक ने भैंस को टक्कर मार दी, भैंस की मौके पर ही मौत हो गई।
ऋषिकेश के राजकीय हॉस्पिटल में कई पत्रकारों और उनके परिजनों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए रक्तदान किया। अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर को पर्यटन से जोड़ने की मांग तेज हो गई है, जिससे कि पर्यटक यहां आए और गांधी स्थल को देखें। पौड़ी जिला कोर्ट ने साल 2021 में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी करार दिया है। दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना और 20 साल की सजा सुनाई गई। और इसी के साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।